शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में भारी संख्या में सैनिकों द्वारा 27/10/2021 को मुकदमा अपराध संख्या 137/2021 में धारा 323, 324, 504, 506 आदि धाराओं में दर्ज मुकदमे के नाम दर्ज अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार न किए जाने के संबंध में पीड़ित पक्ष ने शिव सैनिकों के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और तत्काल गिरफ्तार करने की मांग उठाई। दरअसल वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उक्त मुकदमे में नाम दर्ज अशोक, टीपू, सोनू, अरविंद को तत्काल रिहा करने की मांग उठाई है। शिकायती पत्र में कहा गया कि कोतवाली में दर्ज मुकदमा 137/2021 के आरोपियों को मांग उठाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे पीड़ित सचिन दिवाकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिसमें मेरी काफी चोटें आई थी, 308 की उसमें बाद में लगी है, एससी एसटी उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अचानक मेरे पास लगभग 3 तारीख के दिन एक मैसेज आता है, सुरेंद्र कुमार तुरैया जो शिवसेना प्रमुख, रामेश्वर तुरैया जो अपने आप को शिवसेना प्रमुख बता रहे थे, उन्होंने मुझे 50,000 रुपये मांगे। जब मैंने देने से उनको कहा, मैंने मतलब क्या है, मेरा केस जेनुअन है, मैं इस बात से क्यों करूँ, बोले मैं या तो आपके खिलाफ उल्टा मुकदमा लिखवाऊंगा और आपके FIR भी निरस्त कराऊंगा, अगर आपने इस विषय में अगर इनसे अगर मुझे पेमेंट नहीं भेजा तो मैं आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करूंगा और धरना करूंगा। मैं इस बात को दोहरा ही बोल गया, मैंने आप प्रमुख है कब, मैंने वीरेंद्र अरोड़ा ही चल रहा है, किसी का ऐसी मैसेज आया होगा, मैं इस बात को आज दिनांक जब मैंने कल देखा कि मेरे खिलाफ उन्होंने झूठा धरना प्रदर्शन करा रमेश कुमार तुरैया ने मेरे पैसे ना देने पर, और उल्टा मेरे ही खिलाफ मुकदमा लिखवाने के प्रशासन को दबाव बनाया, उस विषय में फिर आज मैंने वीरेंद्र अरोड़ा जी से संपर्क करा और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। आज वीरेंद्र अरोड़ा जी के साथ मैं SSP से मिला हूँ और उनकी गिरफ्तारी की मांग करी कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि कोई भी अपार घटना मेरे साथ घट सकती है और उस घटना का जिम्मेदार प्रशासन होगा और मेरा पर द्वारा कोई हमला हुआ, क्योंकि इतना गंभीर हमला हुआ है जिसके खिलाफ मैं आपको इसका फोटो भी अनुरोध कर रहा हूँ कि पूरी गर्दन की सर्जरी हुई है मेरी कॉस्मोस हॉस्पिटल के अंदर, पूरी गर्दन की सर्जरी जाकर संजय गुप्ता ने करी है। कॉस्मोस की रिपोर्ट है, सिविल हॉस्पिटल से रेफर मेरठ के लिए करा था, मेरठ न जाकर मैंने कॉस्मोस को अपने आप को फेस तर समझा, क्योंकि मेरी जान भी जा रही थी, ब्लडिंग बहुत हो रही थी, इस कदर मेरे चाकू मारे गए थे और चाकू मारने वालों में से मेन अशोक था और जो पकड़े हुए थे दो लोग उसमें दीपू और अरविंद थे, और इनसे पहला जो विवाद था मेरा सिर्फ इस बात के लिए था कि मैंने इनके अपने घर के आगे से ठेले हटवा दिए थे, वो भी कानूनी तरीके से 133 CRP में, और जिससे ये मुकदमा यहाँ से आ रहे और जिला जज के यहाँ से आ रहे, हाईकोर्ट से आ रहे, इन्होंने इस बात की रंजिश मान ली कि साहब इस आदमी ने तो हमें कानून से करा दिया, इसका हटाना ही सही है, क्योंकि हमारे ठेले हट गए, हमारा मान सम्मान को ठेस पहुंच गई, इसी बात के लिए इन्हें मुझ पर जानलेवा हमला करा। जो भी लड़ाई मैंने आज तक लड़ी कानून से लड़ी है, आज से कोई किसी नहीं करी, बस यही मेरा कहना आप लोगों मीडिया से कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इसमें करें और इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी जल्दी होनी चाहिए। हमने आज से 3 महीने पहले 31/7/2011 में FIR दर्ज हुई रमेश्वर दास तुरैया के नाम, 419-420 माननीय प्रदेश उप प्रमुख ने यहाँ पर FIR दर्ज कराई कि ये शिवसेना का दुरुपयोग कर रहे हैं और मीडिया को भी और आम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं। उसका दूसरा उदाहरण आज SSP साहब के सामने उदाहरण कर दिया कि इनके खिलाफ इन्हें चोटें लगी, इन्होंने मुकदमे लिखवाए, आज वो उन्हीं मुजरिमों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने शिवसेना का दुरुपयोग करा और शिवसेना के नाम पर इनसे पैसा मांग रहे हैं, रंगदारी वसूलना चाह रहे हैं। आज हमने SSP महोदय से भी कहकर के ये कहा है कि अगर वो रंगदारी मांग रहे हैं और शिवसेना का दुरुपयोग कर रहे हैं और अगर गिरफ्तारी नहीं रही तो इनके विषय पर भी एक मुकदमा 419 के साथ उनके ऊपर एक रंगदारी का और धमकाने का मुकदमा अविलंब दर्ज करा जाए और इनके अभियुक्तों की गिरफ्तारी अविलंब करी जाए।